तो दोस्तों अभी मेन बोर्ड आईपीओ नहीं आ रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल आईपीओ होते हैं जिनका लॉट साइज होता है 15,000 रुपए के आसपास होता है, तो वो आईपीओ अभी नहीं आ रहे हैं। और अभी जो एसएमई आईपीओ काफी ज्यादा ओपन है, एसएमई आईपीओ के अंदर अगर बात करें तो 8 आईपीओ अभी एक साथ ओपन है, तो लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि किस आईपीओ में अप्लाई करें और किसको छोड़ें। और बहुत ज्यादा डिमांड भी आ रही थी कि सारे आईपीओ के रिव्यू पर वीडियो बनाया जाए, तो मैंने सोचा एक साथ सभी आईपीओ का रिव्यू का वीडियो बना दिया जाए। और जो ये 8 आईपीओ है, इन आईपीओ में से किस आईपीओ में अप्लाई करना है, किसको छोड़ना है, तो वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। और रैंकिंग वाइज भी मैं बता दूंगा कि सबसे आगे आईपीओ कौन सा है और सबसे नीचे आईपीओ कौन सा है, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप बेल आइकन पर दबा के रख लें, टेलीग्राम वगैरह चैनल को ज्वाइन करके रख लें, तो सीधा आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों एक और बात, एसएमई आईपीओ जनरली हर डीमैट अकाउंट के अंदर हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या तो असबा नेट बैंकिंग के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा आप जीरोदा के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं एसएमई आईपीओ को। तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, जिन लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है जीरोदा के अंदर, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी 8 आईपीओ ओपन है, इनकी रैंकिंग भी देख लेंगे और कौन सा आईपीओ अच्छा है, किसको अप्लाई करना है, किसको छोड़ना है, तो सारी चीजें देख लेंगे। तो सबसे पहला जो आईपीओ है केसीके इंडस्ट्रीज, तो केसीके इंडस्ट्रीज जो कंपनी है ट्रेडिंग करती है, यार्न मतलब जो धागा होता है उसकी ट्रेडिंग करती है। ट्रेडिंग मतलब कहां से खरीदती है और फिर दूसरे को बेचती है, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं करती, सिर्फ ट्रेडिंग करती है, यार्न मतलब जो धागा होता है उसकी। और इसके अलावा इसका नॉन बासमती और बासमती जो चावल होते हैं उसका प्रोसेसिंग प्लांट है। फिर दोस्तों अगर इसके फाइनेंशियल हम देखते हैं तो 2021 के आसपास लगभग 44 करोड़ रुपए का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है, और इसका जो प्रॉफिट है लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर देखते हैं तो बहुत कम है, प्रॉफिट मार्जिन लगभग 2.5% के आसपास इसके प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बहुत कम है। फिर दोस्तों इस आईपीओ का अगर प्राइस देखें तो 30 रुपए पर शेयर इसका प्राइस है, और 4.5 करोड़ रुपए का ये इसका इश्यू साइज है। इसका प्राइस और इसका इश्यू साइज वगैरह ठीक नजर आ रहा है, पर अगर सेक्टर वाइज देखें तो ट्रेडिंग का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। उसके अलावा इसके प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो कुछ खास कंपनी ये नजर नहीं आ रही केसीके इंडस्ट्रीज। फिर दोस्तों दूसरी कंपनी सेलिनी टूर्स एंड ट्रेवल्स, इसका टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम है, जैसा आप नाम से जान सकते हैं, मतलब इंटरनेशनल टूर करने हो या इंडियन टूर करने हो तो ये टूर पैकेजेस वगैरह बना के देती है। तो टूर एंड ट्रेवल्स का जो सेक्टर है वो ठीक ठाक सेक्टर है, कोई ज्यादा जबरदस्त मल्टीबैगर सेक्टर नहीं है। और 2021 के अगर इसके फाइनेंशियल देखें तो रेवेन्यू 1.12 करोड़ रुपए का है, और इसने जो प्रॉफिट कमाया सिर्फ 3 लाख रुपए का, तो उस हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन देखें तो बहुत कम है, लगभग 3% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बहुत कम नजर आ रहे हैं। और इसका जो शेयर प्राइस है 15 रुपए पर शेयर इसका शेयर प्राइस रखा गया है, 1.90 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है। प्राइस बैंड वगैरह ठीक है, बाकी ओवरऑल अगर इसको देखें तो सेक्टर मुझे खास नहीं नजर आ रहा है, टूर एंड ट्रेवल्स का ठीक ठाक सेक्टर है, कोई मल्टीबैगर सेक्टर नहीं है। और उसके अलावा इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत कम है, तो इस कारण क्या है कि कंपनी जो है ठीक ठाक नजर आ रही है, ज्यादा कोई खास कंपनी है नजर नहीं आ रही है। फिर दोस्तों तीसरा जो आईपीओ आ रहा है वीर कृपा ज्वेलर्स, तो इसका ज्वेलरी का काम है, गोल्ड सिल्वर स्टब जो ज्वेलरी होती है वो सारी ज्वेलरी का इसका काम है, तो ये ज्वेलरी का जो काम होता है वो सदाबहार काम होता है। पर अगर इसके फाइनेंशियल हम देखें तो 2020 के अगर इसके फाइनेंशियल देखते हैं तो रेवेन्यू लगभग 10 करोड़ रुपए का है, और प्रॉफिट कमाया सिर्फ 71,000 रुपए, मतलब 71,000 रुपीज। फिर दोस्तों 2021 के अंदर जो इसका रेवेन्यू है लगभग 4 करोड़ रुपए, और इसने जो प्रॉफिट कमाया लगभग 1 लाख रुपए, तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कम है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतने कम प्रॉफिट मार्जिन कैसे हो सकते हैं। तो मुझे इसकी फाइनेंशियल सीट जो है थोड़ी सही नजर नहीं आ रही है। तो और इसका अगर प्राइस देखें तो 27 रुपए इसका प्राइस है, और इसका इश्यू साइज है लगभग 8 करोड़ रुपए का, जो कि ठीक ठाक नजर आ रहा है। इसका सेक्टर बढ़िया है, सदाबहार सेक्टर है, पर जो इसकी फाइनेंशियल सीट है और इसके अलावा इसके प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत कम है। फिर दोस्तों चौथा जो आईपीओ है मंगलम वर्ल्ड वाइड, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है स्टेनलेस स्टील, मतलब जो SS होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उसके अलावा ट्रेडिंग करती है जो फेरो अलॉयज होते हैं, उसके अलावा स्क्रैप जो होता है उसकी ये ट्रेडिंग करती है, मतलब किसी से लेती है फिर दूसरे को बेचती है। 2022 के अंदर जो इसका रेवेन्यू है 533 करोड़ रुपए का, और प्रॉफिट जो इसने कमाया है 12.30 करोड़ रुपए का, बहुत बढ़िया रेवेन्यू और प्रॉफिट है। ये भी जो सारी कंपनीज हैं उनमें से सबसे तगड़ी जो मजबूत कंपनी है ये कंपनी नजर आ रही है। फिर इसका अगर प्राइस देखें, प्राइस बैंड मतलब 101 रुपए का पर शेयर का इसका प्राइस रखा गया है, और इसका जो इश्यू साइज है लगभग 65.58 करोड़ रुपए का, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ा इसका प्राइस जो है अगर कंपेयर करें बाकी इसके जो जैसे प्लेयर्स हैं उस हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी ओवरऑल ये कंपनी अच्छी नजर आ रही है। फिर दोस्तों पांचवा जो एसएमई आईपीओ है केसर इंडिया, इसका काम है डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का, ये क्या कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग उनका कंस्ट्रक्शन का काम करती है, उसके अलावा डेवलपमेंट का काम है, विलाज वगैरह होते हैं, टावर वगैरह बनाने, सोसाइटीज, और तो ओवरऑल रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनीज को आप मान सकते हैं। सेक्टर ठीक है, मतलब ज्यादा बुरा नहीं है, और ज्यादा मल्टीबैगर भी इसको नहीं मान सकते हैं। 2021 के अंदर इसका रेवेन्यू अगर देखें तो 1.19 करोड़ रुपए का है, और इसका प्रॉफिट देखें तो 1.19 लाख रुपए का है, लगभग जो प्रॉफिट मार्जिन है सिर्फ 1% का।
जो कि बहुत कम है, और इसका जो प्राइस रखा गया एक शेयर का लगभग 170 रुपए, जो कि बहुत ज्यादा लग रहा है। और इसका जो इश्यू साइज है 15.82 करोड़ रुपए का। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेक्टर ठीक ठाक है, ज्यादा मल्टीबैगर भी नहीं है, और इसके अलावा इसके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कम है, जिसके कारण थोड़ी सी रिस्की कंपनी नजर आ रही है। उसके अलावा इसका प्राइस जो है, मतलब शेयर का प्राइस थोड़ा सा हाई है। फिर दोस्तों छठा जो एसएमई आईपीओ है, एसकेपी बियरिंग्स। तो ये बियरिंग्स और उससे रिलेटेड चीजें जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, बहुत बढ़िया काम है। तो ये निडल रोलर है, सिलेंड्रिकल रोलर है, पिन है, स्टील बॉल्स है, तो इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अलावा ये जो इंडिया के अंदर भी सेल करती है और एक्सपोर्ट भी करती है, तो बहुत बढ़िया काम है। और सेक्टर वाइज भी बहुत बढ़िया कंपनी नजर आ रही है, डिमांडिंग सेक्टर है। और 2021 के अंदर अगर इसका रेवेन्यू देखें तो 37 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, और इसका जो प्रॉफिट है 7 करोड़ रुपए का। तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है, मतलब लगभग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 20% से ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बहुत बढ़िया है। और 2022 के अंदर भी इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा बड़ा है, तो बहुत पॉजिटिव बात है। तो ओवरऑल कंपनी को अगर देखें तो सेक्टर वाइज बढ़िया कंपनी नजर आ रही है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं। उसका जो शेयर प्राइस रखा गया है 70 रुपए, वो भी ठीक नजर आ रहा है। और उसका जो इश्यू साइज है 30.80 करोड़ रुपए का, लगभग 31 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन सभी कंपनीज में से अभी जो ये कंपनी है ये मुझे सबसे बेस्ट कंपनी नजर आ रही है, इसका फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा है। फिर दोस्तों सातवां जो एसएमई आईपीओ है, जयंत इंफ्राटेक। ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम करती है। इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उसका ये काम करती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से जो रेल चलती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, तो उसका काम करती है। उसके अलावा बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं उनके अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है, जो भी उसका भी ये काम करती है। तो ये कंपनी भी ठीक नजर आ रही है। अगर इसके फाइनेंशियल देखें तो 2021 के अंदर जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 35.50 करोड़ रुपए का, और इसका जो प्रॉफिट है 1.39 करोड़ रुपए का। तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम है, लगभग 5 से 6% के आसपास इसके प्रॉफिट मार्जिन है। और इसका जो प्राइस रखा गया है 67 रुपीज, और इसका इश्यू साइज है 6.19 करोड़ रुपए का। ओवरऑल ये ठीक ठाक कंपनी नजर आ रही है। दोस्तों आठवां जो एसएमई आईपीओ है, बी राइट रियल एस्टेट। जैसा कि नाम से ही आप जान सकते हैं कि रियल एस्टेट का इसका काम है। उसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी काम करती है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो भी बिल्डिंग्स होती है उनके कंस्ट्रक्शन का ये कंपनी काम करती है। तो सेक्टर ठीक ठाक नजर आ रहा है, इसकी जैसी केसर इंडिया भी कंपनी थी, तो सेक्टर ठीक ठाक है, ज्यादा खास भी नहीं है और ज्यादा ऐसा डाउन भी नहीं है। और अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2021 के अंदर जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 1.18 करोड़ रुपए का, और इसका जो प्रॉफिट है लगभग 58 लाख रुपए का। तो प्रॉफिट देखें तो 50% के आसपास प्रॉफिट आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है, थोड़ा सोचने वाली बात है, इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं होना चाहिए, लगभग 50%। इसका जो प्राइस रखा गया है 153 रुपए पर शेयर, थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। जो इश्यू साइज है 44.36 करोड़ रुपए का। तो ये सेक्टर वाइज देखें तो ठीक ठाक सेक्टर है, कोई ज्यादा मल्टीबैगर सेक्टर भी नहीं है। और उसके अलावा अगर इसके प्रॉफिट मार्जिन देखें तो बहुत ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो बहुत बढ़िया है कि प्रॉफिट मार्जिन इतने ज्यादा है, पर इतने ज्यादा भी होना सोचने वाली बात है, मतलब 50% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। हो सकता है रियल एस्टेट का बिजनेस है, कोई जमीन थोड़े सस्ते में ले लियो और फिर डबल भाव में बेच दियो, तो अलग बात है, बाकी इतना प्रॉफिट मार्जिन होना थोड़ा सा मुश्किल है कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के बिजनेस में। और इसका प्राइस थोड़ा सा हाई नजर आ रहा है, बाकी ओवरऑल ठीक ठाक कंपनी है। तो दोस्तों ये थे 8 IPOs, इनका रिव्यू मैंने बता दिया, अब इनकी रैंकिंग हम देख लेते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर जिसको मैं रखना चाहूंगा वो है एसकेपी बियरिंग्स। बियरिंग्स की डिमांड अच्छी है, ये मैन्युफैक्चर करती है, उसके अलावा एक्सपोर्ट भी करती है, इंडिया के अंदर भी सेल करती है, और उसके प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं, मतलब 20% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन है। तो बढ़िया ओवरऑल संतुलित कंपनी नजर आ रही है, और उसका प्राइस वगैरह भी ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर रखना चाहूंगा मंगलम वर्ल्ड वाइड को, मंगलम वर्ल्ड वाइड जिसका काम है स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चर करना। ये कंपनी भी अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है, इस कारण कंपनी थोड़ी मुझे पसंद आ रही है, और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है। उसके अलावा इसका रेवेन्यू वगैरह बहुत अच्छा जनरेट कर रही है, बाकी ये सारी जो कंपनीज है उनमें सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है मंगलम वर्ल्ड वाइड का, तो इन सभी से मजबूत है, कम रिस्क वाली कंपनी है। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर मैं रखना चाहूंगा जयंत इंफ्राटेक को। ये क्या है कि रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है, जो इलेक्ट्रिक रेल वगैरह चलती है उसके अंदर जो भी सारा स्ट्रक्चर वगैरह बनाना होता है तो उसका ये काम करती है। तो ये कंपनी भी ठीक नजर आ रही है, इसको तीसरे नंबर पर लेना चाहूंगा, और बाकी सारी जो कंपनी है मुझे कोई खास नजर नहीं आ रही है, फिर भी इनकी रैंकिंग मैं आपको बता देता हूं। तो चौथे नंबर पर मैं लेना चाहूंगा बी राइट रियल एस्टेट को, क्योंकि इसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा है, हालांकि सोचने वाली बात है, पर फिर भी इसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, इस कारण क्या है कि मैं थोड़ा इसको चौथे नंबर पर लेना चाहूंगा। फिर पांचवे नंबर पर मैं लेना चाहूंगा केसर इंडिया को, इसका भी रियल एस्टेट बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम है। फिर छठे नंबर पर मैं लेना चाहूंगा वीर कृपा ज्वेलर्स को, इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, इस कारण क्या कि ये कंपनी मुझे खास पसंद नहीं आ रही है, फिर भी मैं इसको छठे नंबर पर लेना चाहूंगा। फिर दोस्तों मैं सातवें नंबर पर लेना चाहूंगा केसी के ट्रेडिंग्स को, इसका यार्न का काम है, इसकी प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम है, ट्रेडिंग का बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है, अगर ये कंपनी यार्न की मैन्युफैक्चरिंग करती तो मैं सोचता कि इसको आगे रैंकिंग देने का।
फिर दोस्तों आठवें नंबर पर मैं जिसको रखना चाहूंगा वो है सेलिनी टूर्स एंड ट्रेवल्स। टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस मुझे ठीक ठाक नजर आता है, ज्यादा इसका फ्यूचर और मल्टीवैगर जैसी कंपनी नजर नहीं आती है। ओवरऑल ये मेरे पर्सनल रिव्यू और मेरी पर्सनल रैंकिंग है, और आपकी राय, आपकी रैंकिंग अलग हो सकती है, किसी और एक्सपर्ट की राय और रैंकिंग अलग हो सकती है। तो अपना डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का भी एनालिसिस लगा लें, उसके अलावा खुद भी देख लें कि कौन सा आईपीओ अच्छा है कौन सा नहीं है, उसके बाद आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का सोचें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा आठों आईपीओ को लेकर, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी, मैंने सोचा आठों आईपीओ का एक साथ रिव्यू का वीडियो बना दिया जाए। और आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ है तो आप कौन से आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरी पर्सनली बात करें तो मैं किसी भी आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करूंगा इन आठों आईपीओ के अंदर, बस आपका डिमांड थी इस कारण मैंने रिव्यू कर दिया, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा अप्स एंड डाउन ज्यादा है। तो क्या है कि अभी एसएमई आईपीओ वगैरह सारे आईपीओ मुझे थोड़े रिस्की नजर आ रहे हैं, और अभी मेन बोर्ड आईपीओ भी नहीं आए हैं, तो रिस्क फैक्टर ज्यादा होने के कारण मैं अभी एसएमई आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करूंगा। और दोस्तों आप लोग कौन से आईपीओ में अप्लाई करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।